तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफिंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले का एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो येफिंग था वो जो बाइसन क्लैन के मास्टर को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। लेकिन जो येफिंग था वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, जहाँ पर उसको जो एक ड्रैगन एम्परर का वाइट एनर्जी हील कर रहा था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाइसन क्लैन का जो मास्टर था, उसका डिसाइपल, उसको बोल रहा था कि हम लोगों ने स्केलेट साउट को खो दिया है। तो अगर यह बात एल्डर को पता चलती है तो यह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है हम लोग के लिए। लेकिन तभी वो मास्टर उसको वो पीछे धकेल देता है। डिसाइपल हैरान था। तभी वो मास्टर बोल रहा था कि आखिर में एल्डर्स को पता कैसे चलेगा। और फिर वो अपना लाइफ स्पेन, यानी कि अपना लाइफ का जो पावर था, उसको यूज़ करके, अपना कल्टीवेशन यूज़ करके वहाँ पर डेथ सेंटेंस को मार्क करने लगता है, येफिंग के लिए क्रिएट करने लगता है। तो सब देख के वहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, और वो उनको रोकना चाहते थे। अब बोल रहे थे कि आप जो चिंता ना करें, हम लोग और ज़्यादा डिसाइपल को भेजते हैं उस फिल्म को मारने के लिए, और आप जो है अपना लाइफ स्पेन और कल्टीवेशन को यहाँ पर रिस्क में ना डालें। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था ये फिल्म पर, और उसने जो है वह चीज़ डेथ सेंटेंस क्रिएट कर लिया था, और वो उसको आसमान में छोड़ देता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। जहाँ पर उस मास्टर को पता चल जाता है कि ये फिंग जो है मॉन्स्टर फॉरेस्ट में गया हुआ है। तो तभी वो वहाँ पर अपने डिसाइपल को आदेश देता है कि ऑर्डर पास कर दो कि जो कोई भी ये फिंग को यहाँ पर जिंदा लेके आता है उसको जो है एक डेड फ्रूट दिया जाएगा। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बंदा जो कि वहाँ पर ये फिंग के फाइट ये फिंग का जब फाइट हो रहा था बाइसन क्लैन के साथ, वहाँ पर मौजूद था। वो वहाँ पर सारे बंडलों को बता रहा था कि आखिर में ये फिंग ने उन सारे एल्डर्स को कैसे हराया, कितना आराम से हरा दिया। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसको जो पिल्स भी बनाने आता है, तो जिसकी मदद से वो किसी भी मुर्दा को जिंदा कर सकता है। जैसे सुनकर वहाँ पर सबको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह चीज़ किसी को भी गॉड बनाने का पावर रखता है। जहाँ पर सब लोग उसका टेल्स, यानी कि उसका कहानी सुनने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर वाइट टाइगर हेड क्लैन के एक बंदे का देखते हैं, जो कि बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बंदे लोग आ चुके हैं, ताकि वो जो है येफिंग के साथ मिलकर उससे फाइट कर सकें। तभी वहाँ पर वो डेथ सेंटेंस अपीयर हो जाता है। तो यह देखकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे, जो कि असासिन थे, नॉर्मल बात यह है, वो जो है येफिंग को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको जो है वो डेथ फ्रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर वो वाइट टाइगर क्लैन का बंदा भी इसके लिए तैयार हो गया था। जहाँ पर वो सारे बंदे वहाँ पर से जाने लगते हैं मॉन्स्टर फॉरेस्ट की तरफ। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन थी वो ये फिंग का चिंता कर रही थी। वो सोच रही थी कि इसका जो दिल है वो भी सही से काम कर रहा है, ये सांस भी सही से ले रहा है, इसका पूरा शरीर सही है, लेकिन आखिर में यह होश में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब उसका हाथ उसके नाक पर पड़ता है, तो यह देखकर ये फिंग को वहाँ पर छींक आ गया था, जिससे उसको होश आ गया था। यह देखकर लिन उसके सर्वेंट, यानी कि उस मॉन्स्टर पर गुस्सा होने लगती है। बोलती है कि अगर तुम्हें पता ही था कि यह होश में आ चुका है, तो तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया। तो वह बता रहा था कि लेकिन यह चीज़ को बताने के लिए मास्टर ने हमें मना किया था, उन्होंने कहा था कि वो जो यहाँ पर नेचर से बात कर रहे हैं। तो बात सुनकर लिन उस पर गुस्सा होने लगती है ये फिंग पर। अब वो रही थी कि मेरा पैर वाकई में बहुत ज़्यादा दुख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर का क्राई, रोने का आवाज़ आता है। तो तभी वहाँ पर वो टाइगर क्लैन वाला बंदा पहुँच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये फिंग ने उसका अटैक को नलीफाई कर दिया था। तो उस बंदे को देख कर लिन हैरान थी, और वो सामने आ जाती है। तो तभी लिन बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ पर, वसुन का ये फिंग उससे पूछता है क्या तुम इन लोग को जानते हो। तो लिन उसको बता रही थी कि जो है टाइगर क्लैन, कि यह बंदा टाइगर क्लैन से बिलोंग करता है, और टाइगर क्लैन वाकई में सबसे ज़्यादा क्रूर क्लैन है, और उसके अंडर जितने भी बंदे हैं वो सब असासिन हैं, वो जो किसी को भी मार सकते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे प्रोफोन लेवल पर और वार फोर्स लेवल पर मौजूद हैं। तो तभी वो बंदा बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जो बाइसन क्लैन का मास्टर है, उसने अपने 50 साल
का जो लाइफ स्पेन था, कल्टीवेशन था, और कल्टीवेशन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि वो तुम्हारे लिए डेथ सेंटेंस को क्रिएट कर सके तुम्हें मारने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि जो तुम्हारे पास फॉर्मेशन है, एलिक्सर है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो वो चीज़ मुझे दे दो ताकि मैं जो है तुम्हें यहाँ पर आसान मौत दे सकूँ। रेवा सुनकर जो लिन थी वो खुश होती है, बोल रही थी कि क्या लाइफ डेथ सेंटेंस तुम्हें लगता है कि तुम येफिन को मार सकते हो? और फिर वो जो यहाँ पर भूल जाती है कि वो एक सर्वेंट है, वो मास्टर नहीं है, और वो जो येफिन को ऑर्डर देती है उस पर अटैक करने के लिए। तो यह चीज़ देख कर येफिन उसको याद दिलाता है कि सर्वेंट कौन है और मास्टर कौन है। तो तभी लिन को भी याद आ जाता है इसके बारे में, और फिर वो जो है उस सर्वेंट को वहाँ पर अटैक करने के लिए बोलती है। लेकिन वो सर्वेंट बोलता है कि मैं अपने बस मास्टर का बात मानता हूँ। लेकिन वो टाइगर क्लैन वाला बंदा यह सब बात से परेशान होकर उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है सबको मारने के लिए। तो देख कर लिन को ना चाहते हुए भी उससे फाइट करने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग दोनों में बहुत ज़्यादा शानदार फाइट हो रहा था। यह फाइट वाकई में काबिले तारीफ था, क्योंकि यहाँ पर जो लीन थी वो अपना पूरा पावर यूज़ करके उस बंदे को सप्रेस करने में कामयाब हो पा रही थी। उसका जो स्लैश अटैक था, वो बंदा उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन तभी उनके बीच में फाइट हो रहा था। लेकिन जो येफिंग था वो लीन को सावधान कर देता है, और यह सावधान बिल्कुल सही समय पर किया गया था, क्योंकि जो वो बंदा था टाइगर क्लैन वाला, उसने जो है लीन पर कुछ नीडल्स से अटैक कर दिया है। तो अगर यहाँ पर येफिंग सही समय पर सावधान नहीं करता लिन को, तो वो घायल हो जाती। लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, वो टाइगर क्लैन वाला बंदा उसको एक लात मार कर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी येफिंग वहाँ पर आके उसको संभाल के उसको लैंड करवा देता है। तो येफिंग उसको बता रहा था कि नॉर्मल सी बात यह तो कोई भी पता कर सकता है, क्योंकि उसका जो शॉट है वो पहले पावरफुल लगता हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वैसे भी हर बंदे के पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होता है, क्योंकि उसने अपना शॉट वहाँ पर छोड़ दिया, जिसका मतलब साफ था। देवा सुनकर उस बंदे को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन लिन बोल रही थी कि अब जब उसका ट्रम्प कार्ड एक्सपोज हो चुका है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन जो येफिंग था उसको सावधान करता है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी, जहाँ पर येफिंग उसको बोलता है कि उसके हाथ से सावधान रहना। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो सारे नीडल से लिन बचते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, और जब वो उस पर अटैक करने के लिए जाती है अपनी तलवार से, लेकिन वो बंदा अपने हाथ से उसके हाथ पर अटैक करता है, जिससे लिन का जो शॉट था उसके हाथ से छूट के दूर चला गया था, और लिन यहाँ पर कमज़ोर पड़ गई थी। सिंपल बात यह है। तो जब लिन जब अपना तलवार लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो बंदा उस पर अटैक करके उसको वहाँ पर रोक देता है, जहाँ पर येफिंग बता रहा था लिन को कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हें पता है कि किस बंदे ने तुम्हें कॉम्बैट फाइट करने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद इसने अपना पावर का यूज़ करके तुमको यहाँ पर सरप्राइज कर दिया, मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में सावधान किया था। तभी वो टाइगर क्लैन वाला बंदा बोल रहा था कि इसे फ़र्क ही क्या पड़ता है, ये लड़की अभी मेरे अंडर में है। तभी येफिंग उस लिन को बोल रहा था कि क्या तुम भूल चुकी हो जो कुछ भी मैंने में सिखाया है। तो तभी हम लिन का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ पर उसका हाथ को रोक रही थी, उसका पावर को, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसका हाथ को रोक पाती। लेकिन तभी वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करती है, जिससे वो बंदा पीछे हो गया था और वो बहुत ज़्यादा हैरान था। और फिर तभी वो उस पर एक पाम टेक्निक से अटैक करके उसको घायल करके अपना शॉट लेने के लिए चली जाती है, और उसकी मदद से उस पर तलवार पॉइंट करते हुए बोल रही थी कि तुम यहाँ पर हार मान लो। लेकिन तभी वो बंदा बोल रहा था कि मैं तो बस यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन था। तो तभी वहाँ पर येफिंग के पास एक ब्लास्ट होता है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा बंदे इस समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह देख कर लिन थोड़ा सा घबराती है। तो इस समय का फायदा था कि वो बंदा उसको चेहरे पकड़ के उसको टांग देता है, बोल रहा था कि देखो येफिंग तो बनने से रहा, लेकिन तुम तो वाकई में यूजफुल होगी। तो तभी वहाँ पर येफिंग उस पर अटैक करके उसको मारते हुए बोल रहा था कि यार तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सर्वेंट पर अटैक करने का। और फिर तभी वो उसको मार देता है, जहाँ पर वो जो है लिन को भी संभाल लेता है। तो लिन पूछती है कि तुम्हें पता था कि यहाँ पर और ज़्यादा बंदे हैं? तो येफिंग बता रहा था कि तुम्हें पता है कि जो मेरा फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किसी भी बंदे का स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकता है, जो कि माइल्स ऑफ अवे है। तो तभी जो येफिंग का सर्वेंट था, उसने उन सारे को मार दिया था। तो तभी लिन उससे पूछती कि क्या क्या तुमने मुझे चारा का रूप में यूज किया? तो ये फिर उसका
कान्विक के पास जाती है, बोल रहा था कि इसमें यूज करने की बात क्या है, तुम तो आखिर में चाह रही हो। तो तभी वहां पर अचानक से भूकंप आने लगता है, लिन के गुस्सा होने से पहले ही। यह देखकर येफिंग इसके बारे में पता करने लगता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एक डेमोनिक बीस्ट है। तो तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है, तो येफिंग जो है वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उन दोनों को बचाते हुए उस डेमोनिक बीस्ट को मार देता है। लेकिन वहां पर और ज्यादा डेमोनिक बीस्ट आ जाते हैं, तभी येफिंग उन दोनों की मदद से उन सारे डेमोनिक बीस्ट से बच जाता है। तो इतने सारे डेमोनिक बीस्ट को माउंटेन के नीचे जाते हुए देखकर लिन हैरान थी। तो तभी वो सर्वेंट बोल रहा था कि जो मेरा इटर्नल फ्लेम है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। तो ये बात सुनकर येफिंग उससे पूछता है कि आखिर में यह क्या चीज है। तो वो बंदा बता रहा था कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम है, और ये इतना पावरफुल है कि इसके पास जो कुछ भी जाता है वो जलकर राख में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है। और एक समय की बात है, मुझे इसका जो एक हल्का सा ट्रेस जो कि मेरे हाथ पर लग गया, जिसके कारण मैं उसको बुझा भी नहीं पाया और मैं वहां पर घायल हो गया था। तो इस समय का फायदा था कि नाइन हेवन डाव पैलेस ने मुझे कैप्चर कर लिया। तो इतना पावरफुल फायर का नाम सुनकर ये फिंग वाकई में खुश हो गया था, और बोल रहा था कि अगर मैं इसका यूज पाया अपने चेन को ब्रेक करने के लिए तो यह वाकई में यूजफुल होगा। और फिर वो उन दोनों को लेकर वहां पर से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।